मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा वी आर डूइंग द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द करंट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस. दिस ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. देर आर सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द करंट एंड द चार्ज. Now, next is the potential difference. That what is the potential difference? It is the work done to move a unit charge from one point to the another point. This is the potential difference. What is the unit of the potential difference? The unit of the potential difference is volt, and it is measured by the instrument voltmeter. मैंने ये भी बताया था आपको कि वोल्ट मीटर जो है किसी भी सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट होता है, और जो एम मीटर है वो हमेशा किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है. सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ा था हमने. कंपोनेंट्स किए थे दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच आर यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट लाइक द सेल बैटरी. व्हाट इज़ द की? ओपन की, क्लोज्ड की. ओपन की कौन सी होती है बेटा? जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, और क्लोज्ड की जिसमें करंट फ्लो करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या था हमारा? कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कॉन्स्टेंट लाइक टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है. तो जो करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, या V इज इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के क्या सिंबल आता है बेटा? R इंटू I. और ये R हमारे पास क्या होता है? रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस. दिस इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ओके, दिस इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. जो रेजिस्टेंस है इसका काम क्या होता है? टू सीज द करंट. टू सीज द करंट, करंट को सीज करना, करंट के फ्लो को कम करना किसका काम है? हमारे रेजिस्टेंस का. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम. ओम इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस. नेक्स्ट इज जो रेजिस्टेंस है वो हमारा किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करेगी तो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा. अगर किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. तो यहाँ से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, और यहाँ से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह से सिंबल आता है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A. ये रो क्या है हमारे पास? दिस इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. दिस इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. R क्या है? रो क्या है? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. और जो ये हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसका नाम क्या है? रो. दिस इज रो. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो? देखो बेटा, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A के इक्वल होता है. तो यहाँ से रो किसके इक्वल होगा? R L बाय A. एंड हेयर R की यूनिट क्या है? ओम. सॉरी, R A बाय L. A बाय L. R की यूनिट क्या है? ओम. एरिया की यूनिट मीटर स्क्वेयर, और लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर. मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो की यूनिट क्या होगी हमारे पास? ओम मीटर. ठीक है. तो यहाँ से रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? एक तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, एक रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया पर, और तीसरा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर. ठीक है. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. अब जैसे मेटल्स है, मेटल्स के केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है, यानी कि कंडक्टर्स के केस में. इंसुलेटर्स के केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी. और जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इट लाइज बिटवीन द वैल्यू ऑफ मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, या कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में वैल्यू लाई करती है इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर. ठीक है. उसके बाद हमारे पास ये हो गया है, जो यूनिट है ओम मीटर होगी हमारी. रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज द 1200 ओम. तो कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर? ठीक है. तो हमें पता है हमारे पास V है, हमारे पास R है.
ठीक है, तो आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं वी बाई आई से, तो करंट निकल गया। अब कह रहे हैं कि कितना करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक हीटर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 सोर्स वोल्ट इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम। कह रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 100 ओम कर दी, यानी रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी, क्योंकि R इज इक्वल्स टू वी बाय आई। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को सीज करना। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और अगर करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो करंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। स्टार्टिंग में हमारे पास कितना रेजिस्टेंस है, 1200 ओम, तो करंट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0.18। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज करके कितना कर दिया, 100 ओम। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और वो कितनी आई हमारी, 2.2 ओम के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 60 वोल्ट। करंट कितना दिया है हमें, 4 एम्पियर। ठीक है, पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, ओम्स लॉ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस, दैट इज आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई से। उसके बाद कह रहे हैं कि कितना करंट फ्लो करेगा फ्रॉम द हीटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके कितना कर दिया, 120 वोल्ट। हमें तो सेम वही काम करना है, क्या कि आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई, तो आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 120, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 15, तो करंट कितना आ जाएगा, 8 एम्पीयर। ठीक है, तो करंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 एम्पीयर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस है दैट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हमारे पास दो कॉम्बिनेशन होते हैं, वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज द पैरेलल। सेकेंड वन इज द पैरेलल। जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई सर्किट सीरीज में होगा उसमें करंट सेम फ्लो करेगा, करंट क्या रहेगा, सेम। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। क्या कहा मैंने, जब कोई सर्किट सीरीज के अंदर होगा, मतलब रेजिस्टेंसेस हमारे सीरीज में लगे होंगे, उस टाइम पे सर्किट के अंदर जो करंट की वैल्यू है, यानी कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू सेम रहेगी, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन है सीरीज का। देखो, हमने R1, R2, R3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाए हैं, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, और करंट की वैल्यू हर रेजिस्टर के अक्रॉस क्या है, I है। तो हमें ओम्स लॉ से हमें पता है V किसके इक्वल होता है बेटा, IR के। कितने अब ये जो टोटल पोटेंशियल V है, ये किसके इक्वल होगा, इन सम ऑफ पोटेंशियल्स के इक्वल, यानी कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 एंड प्लस V3 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से V किसके इक्वल आएगा, V किसके इक्वल है, IR के इक्वल है, तो यहाँ से IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से हमने IR, I को कॉमन लिया, तो ये किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो यहाँ से R किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंसेज इन द सीरीज। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है अगर हम सीरीज सर्किट को यूज़ करते हैं, ठीक है, इट इज़ मतलब किसी भी चीज़ की, जैसे कोई सर्किट सीरीज में लगा है या कोई पैरेलल में है, हमने इनकी करेक्टरिस्टिक्स आपको बताई है मैंने, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी, सीरीज के अंदर सर्किट के अंदर सेम करंट फ्लो करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम सर्किट को सीरीज में अप्लाई करते हैं
अगर एक कनेक्शन फेल हो जाता है तो उसके जो बाकी के सारे कंपोनेंट्स हैं उनमें से कहीं भी करंट नहीं जाएगा, ठीक है। एक तो ये कमी है इसकी, और एक जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा इसमें, ठीक है। टोटल सर्किट जो है रेजिस्टेंस का, हमने हर डिवाइस के अक्रॉस मतलब हमने रेजिस्टेंसेस लगा दिए, वो सारे के सारे सीरीज में है, तो रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में तो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड जो थर्ड हमारी जो डिसएडवांटेज है यहाँ वो क्या है, इट इज़ इनप्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर। बल्ब और हीटर को सीरीज में कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनको अलग अलग करंट की वैल्यू की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब को में ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, और हीटर को अगर कम करंट देंगे तो वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम सर्किट को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। पैरेलल के अंदर क्या होगा, जैसे ये हमारा कोई पैरेलल सर्किट है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास आई करंट है। अब रेजिस्टेंस देखो, इनके टर्मिनल्स तो क्या है, सेम टर्मिनल है, सेम टर्मिनल के बीच में तीन रेजिस्टेंस को अलग अलग अटैच किया गया, तो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और करंट क्या होगा, डिवाइड, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। यहाँ से पता चलता है हमें कि सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर कोई सर्किट सीरीज के अंदर है तो उसमें हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो क्या जाएगी, सेम जाएगी। और अगर कोई सर्किट पैरेलल में है तो करंट क्या होगा, हमेशा डिवाइड होगा, करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद है, अगर यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से V किसके इक्वल होता है, आई आर के, तो I किसके इक्वल होगा, V बाय R। पोटेंशियल की वैल्यू क्या है हमारे पैरेलल सर्किट में, सेम है, और करंट की वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो जो नेट करंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I किसके इक्वल है, V बाय R, दिस इज V बाय R1 प्लस V बाय R2 एंड प्लस V बाय R3, ठीक है। तो यहाँ से V बाय R, तो V कॉमन लिया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो यहाँ से V कैंसिल, जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आएगा यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, R इक्विवेलेंट, वो कितना होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड प्लस 1 बाय R3। ये हमारा क्या होगा, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट, ठीक है बेटा। तो हमने क्या देखा कि जब कोई भी सर्किट हमारा किस में कनेक्ट हो, सीरीज में, सर्किट सीरीज में है तो करंट क्या होगा, सेम, करंट सेम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ठीक है। अगर कोई सर्किट पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल के अंदर क्या होगा, करंट की वैल्यू तो क्या होगी, डिफरेंट, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, हमारी सेम, क्योंकि दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, ठीक है। टुडे यू हैव टू डू हेयर, ओके, एंड सोल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस PDF और फ्रॉम योर NCERT बुक अप टू द कॉम्बिनेशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।